vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. तो गाइस इस समय मैं आ चुका हूँ केलंगट बीच पे। ये गोवा की पॉपुलर बीचों में से एक है और यहाँ पे आप जो मार्केट है, इस तरीके की मार्केट और किसी बीच पे मुझे देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पर ये चेयर पड़ी हुई हैं, ये आप ले सकते हो। और जस्ट पीछे आपका बार्स बने हुए हैं, होटल्स हैं और रेस्टोरेंट भी हैं, तो इन्हें भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं इससे गाइस इस समय मैं पहुंच चुका हूं केलंगट बीच पे, और केलंगट बीच पे ही सारी शॉप्स वगैरह अवेलेबल हैं। यहां पर आपको कोई भी क्लॉथ है या गॉगल्स भी हैं, वाइन शॉप भी हैं, सारी शॉप्स यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल है। केलंगट और वाघा बीच पे ही ये शॉप्स मोस्टली आपको मिलेंगी, और बाकी किसी बीच पे ये शॉप अवेलेबल नहीं है। तो जो बड़ी बीचेस और ब्यूटीफुल बीचेस मानी जाती हैं, उनमें से एक है केलंगट। और तो चलते हैं केलंगट बीच पे, और इस समय मैं जस्ट आ चुका हूँ केलंगट बीच। ये देखिए, तो बीच के साइड में ही यहाँ पर छोटी छोटी ये चेयर बनी हुई हैं और रेस्ट करने के लिए आप ये ले सकते हो। 100 रुपये के हिसाब से ये चेयर मिलती है। और वहाँ पे लगा है आई लव गोवा, तो वहाँ पे पिक्चर भी ले सकते हो। और अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, कोई भी वाटर एक्टिविटी यहाँ पर है, तो वो भी सब अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हो। केलंगट बीच पे अगर आप आए हैं तो ये सीशोर देखना ना भूलें, अमेजिंग व्यूज़ है। और किस तरीके की यहाँ पे लहरें देख रहे हो समुद्र में उठ रही हैं, और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जब से 2 दिन से काफ़ी हैवी रेन होने की वजह से समुद्र के अंदर काफ़ी लहरें देखने को मिल रही हैं। केलंगट बीच और बाघा बीच ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बीच हैं, और यहीं पे आपको ये अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। जो वेव्स हैं इस समय बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहाँ देखिए सामने ये जीप खड़ी है, जो लाइफ सेवर गार्ड हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पानी में ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो सामने अनाउंसमेंट के लिए ये जीप खड़ी है कि कोई भी अगर लगता है कि गहरे पानी में जा रहा है या किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो इंस्टेंट ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। मोस्टली आपको जो क्राउड देखने के लिए मिलेगा वो केलंगट और बाघा बीच पे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। मोस्टली सारी बीचेस एक साथ ही हैं, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही सारी बीचेस हैं, और सेम ही रूट है, एक्सेस इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये बीचेस। पहले आपकी सिंक्वेरियम बीच, उसके बाद आपकी कैंडलम बीच, देन केलंगट बीच, बाघा बीच, वैगटर, अंजुना, सभी एक ही रोड पर हैं। और यहाँ पे आने के लिए सबसे बढ़िया आप स्कूटी ले सकते हो, 300 रुपये पर डे पे स्कूटी आपको मिल जाती है, में पेट्रोल आपका होगा, आपको पर डे 300 रुपीज़ स्कूटी के पे करने हैं।
गोवा अगर केलंगड़ बीच पे आएंगे तो आपको इस तरीके का ये ऑप्शन मिलेगा, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आई लव गोवा। तो यहाँ पर फ़ोटो लेना ना भूलें, और भी काफ़ी जगह लगा हुआ इस तरीके से आई लव गोवा। तो मेरी फेवरेट बीचेस में से जो दो बीच रही हैं वो हैं कैलंगट और बागा, क्योंकि तो यहाँ पर ही आपको मार्केट और बार्स और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो और बीच पे नहीं हैं। कैलंगट बीच पे सारी मार्केट है, जैसे कि एक नॉर्मल मार्केट होती है, और इसमें आप यहाँ पर आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई भी आपको फुटवेयर ख़रीदना है या क्लॉथ ख़रीदना है, सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो समय मैं आ चुका हूँ कैलंगट बीच पे, और मैं इस समय टैटू बनवा रहा हूँ। और ये क्या नाम आपका? ब्लू बर्ड। ये भाई हैं, इनकी शॉप है यहाँ पर ब्लू बर्ड के नाम से। तो आप कभी कैलंगुड़ बीच पाएँ, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, ये देखिए बहुत सारे टैटू इनके पास अवेलेबल हैं। परमानेंट भी टैटू ये लोग बना रहे हैं, और टेम्परेली टैटू भी आप इनसे बनवा सकते हैं। अभी इन्होंने एक मेरा टैटू है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शॉप से यहाँ पर ब्लू बर्ड के नाम से, और 250 रुपीज़ में इन्होंने मेरे टैटू बनाया है। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। आप अगर यहाँ विजिट कर रहे हैं नॉर्थ गोवा में कैलंगट बीच पे, तो ब्लू बर्ड पे जरूर विजिट करें। बहुत ही अच्छी शॉप है, और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है टैटू को लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए घूमिए मेरे साथ। I got you and your vibes in my mind. I can't get 'em out, no matter how.